क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 2.6 एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया था। क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ इज 5.7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज 3 सेंटीमीटर। ओके, तो हमको निकालना क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो कुल मिला के ये जो है डेसिमल का मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें ज्यादा कुछ है ही नहीं लिखने जैसा। ठीक है, डायरेक्ट हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होता है, एल इंटू बी होता है। ठीक है, वेयर एल इक्वल टू क्या है, एल क्या है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इक्वल टू कितना है, लेंथ कितना है, 5.7 सेंटीमीटर। ठीक है, बी क्या है, विड्थ, रेक्टेंगल इज इक्वल टू कितना है, 3 सेंटीमीटर। सो एल इंटू बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एल इंटू बी इक्वल टू क्या होगा, 5.7 इंटू 3। मल्टीप्लाई तो हमको इस तरह से करना होगा। ठीक है, तो 3 7 जा 21, 1 2 बचा तो 3 5 15 और 2 17 171। पॉइंट कहां पे आएगा, तो 1 डिजिट के पहले, यहां पे है ही नहीं, तो 1 डिजिट के पहले 17.1 वैल्यू आया। ठीक है, तो 17.1 क्या होगा, एरिया को किस यूनिट से हम डिनोट करते हैं, जो सेंटीमीटर का हमने मल्टीप्लाई किया है, तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर से हम, सेंटीमीटर स्क्वायर से हम डिनोट करते हैं। ठीक है, एरिया में 2 सेंटीमीटर आया, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाता है, मल्टीप्लाई करने पे इसका यूनिट बनता है एरिया का। ये यूनिट का खास ध्यान दीजिएगा कि ये जो जिसका जो यूनिट है वही लिखने का, ऐसा नहीं आप सेंटीमीटर लीजिएगा, ये पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर में सिर्फ सेंटीमीटर आता है, एरिया में सेंटीमीटर स्क्वायर आता है, सभी में अलग अलग यूनिट होता है, यूनिट का जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होगा, सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू 17.1 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। ठीक है,